सैटर्न राहु की क्लैरिटी आप लोगों को ऑलरेडी हो गई थी। आज हम सैटर्न केतु की बात करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन है उनमें सबसे चैलेंजिंग अगर कोई प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन है तो वो सैटर्न केतु का है। इसलिए नॉर्मली किसी के भी चार्ट में आपको सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन दिखाई दे या सैटर्न केतु का ट्राइन दिखाई दे, लेट्स से ट्राइन में सैटर्न के केतु है या सैटर्न से सेकंड हाउस में केतु है, तो ये चार पोजीशन ऐसी हैं जिस पोजीशन के अंदर नॉर्मली आपको व्यक्ति की लाइफ में काफी सारे प्रोफेशनल चैलेंजेस मिल सकते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि केतु को हम मुक्ति का कारक मानते हैं, केतु को लिबरेशन का कारक मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये व्यक्ति को कर्म मुक्त करता है। तो कर्म मुक्त करने का अर्थ ये है कि ये काफी टाइम जो है ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है व्यक्ति के जीवन में कि उसको कर्म विहीन रहना पड़ता है। तो ये व्यक्ति के लिए बड़ी एक चैलेंजिंग सी सिचुएशन हो जाती है कि उसके पास काम नहीं रहता कर्म। इसलिए जब कभी आपके पास में सैटर्न केतु जैसा कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो बहुत से केसेस में जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है वो दिखाई देगी प्रोफेशनल चीजों को स्टेबल करने के लिए। सैटर्न केतु के कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए आपने क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई आप कैसे करो कि मान लीजिए किसी के चार्ट में आपको सैटर्न केतु मिलता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करो? तो सैटर्न जो है वो चिन्ह का कारक है, याद रखिएगा। मैं जो फेशियल एस्ट्रोलॉजी आपको बताई थी, आगे खैर कर्म अलाइनमेंट में आप फेशियल एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरीके से करेंगे, लाइक कौन से पार्ट का क्या महत्व है, लाइक चिन्ह जो है वो सैटर्न है, आईब्रो जो है वो मार्स। तो सैटर्न केतु की इंडिकेशन आपको दो जगह से मिलेगी, एक मिलेगी चिन्ह से यानी कि ठोडी जो है, और दूसरी मिलेगी जो आपकी बैकबोन है जिसको आप स्पाइन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों जगहों पर आपको केतु की मौजूदगी मिलेगी। अब केतु की मौजूदगी कैसे मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके स्पाइन के पास कोई ब्लैक स्पॉट हो, मतलब आपकी स्पाइन पे कोई ब्लैक मार्क हो सकता है, आपकी स्पाइन के पास कोई कट हो सकता है, क्योंकि केतु जो है वो कट को भी रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही सैटर्न केतु जो है वो यहां पर भी आपको कट दे सकता है, ठोड़ी पर भी कट दे सकता है, या ठोड़ी पर भी आपको ब्लैक स्पॉट हो सकता है या कट का मार्क हो सकता है। तो ये सैटर्न केतु की इंडिकेशन है आपके चार्ट में कि आपके कुंडली में कहीं ना कहीं सैटर्न और केतु का एक कॉम्बिनेशन जो है वो काम करता है, वो एक्टिव है। अब जैसा मैंने बताया आपको कि सैटर्न क्या करता है, सैटर्न व्यक्ति को कर्म विहीन करता है, कर्म से मुक्त करने का काम करता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति को स्टेबल करने के लिए हम सबसे पहले उसके केतु को अलाइन करने का प्रयास करते हैं। अब केतु को अलाइन आप कैसे कर सकते, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि केतु किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है लाइफ। सबसे पहले केतु क्या है, केतु है इंटेंशन। व्यक्ति किस भावना के साथ क्या कर रहा है, दैट इज केतु। केतु रूट्स है, केतु जड़े हैं, इसलिए केतु डीप रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु कंसल्टेंसी यानी कि सलाहकारी को रिप्रेजेंट करता है। केतु मेडिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। केतु लॉ को रिप्रेजेंट करता है। केतु हर प्रकार की कंसल्टेंसी, फिर चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ही हो, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखोगे कि जब कभी किसी व्यक्ति की कुंडली में सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है तो वो कंसल्टेंट के रूप में बहुत अच्छा काम करता है, एस्ट्रोलॉजर के रूप में बहुत अच्छा काम करता है, लॉयर के रूप में बहुत अच्छा काम करता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। तो सैटर्न केतु को अलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले केतु को पकड़ना होता है। और ये बात को सदैव याद रखिएगा कि सैटर्न के साथ में जो प्लैनेट भी कंबाइंड हो जाए वो प्लैनेट जो है वो सैटर्न के गुण धर्म जो है अपने में ले, क्योंकि क्योंकि कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, युति का मतलब क्या होता है, युति का मतलब ये होता है कि मैंने
जिस व्यक्ति के साथ में युति की है या जिस चीज के साथ में युति की है, उस व्यक्ति के साथ में मैंने अपने गुणों का आदान प्रदान कर दिया है, अपने गुण जो हैं उस व्यक्ति को दे दिए हैं और उस व्यक्ति के गुण जो है वो मैंने ले लिए। इसलिए जब कभी आपको सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ऐसे में व्यक्ति जब सैटर्न के काम करेगा, यानी कि बहुत मेहनत मेहनत से भरे काम करेगा, हार्डवर्किंग काम करेगा, तो उसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ जाएंगी, वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो केतु को पिक्चर में लेकर आएगा, केतु का काम करेगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा जो है वो अपनी लाइफ में राइज कर जाएगा। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, सॉरी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी सैटर्न राहु के केस में, कि जिस प्रकार राहु रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, राहु रिप्रेजेंट करता है आपके ग्रैंडफादर, और केतु क्या रिप्रेजेंट करता है, केतु रिप्रेजेंट करता है आपके मेटरनल ग्रैंडफादर को, यानी कि जिनको हम नाना जी भी बोलते हैं। इसलिए क्या होगा, जब कभी आपकी कुंडली में सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो ये आपको वही जो कम जो एक प्रिडिक्शन सैटर्न राहु के लिए बनती है, वही प्रिडिक्शन जो है वो केतु के लिए बनती है, कि केतु जो है वो आपके नाना को रिप्रेजेंट करता है। तो नाना जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग रहेंगे, नाना जो है वो प्रोफेशनली काफी एक्टिव रहेंगे, नाना एक बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी रहेंगे सैटर्न केतु के समय में। और कई दफा ये होता है कि आपके नाना के जीवन में जो एक कार्मिक साइकिल रहा, या जो उनका एक जो एक प्रोफेशनल एक चीजें रही, वही चीजें लगभग आपके जीवन में भी हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे केतु नाना जी है, सैटर्न कर्म है, आपकी कुंडली में मान लीजिए सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन, और सपोज कीजिए आपके नाना जी के जीवन में कई सारे करियर में बदलाव आया, उनके उनके लाइफ में कई सारे करियर चेंजेस आए, तो क्योंकि आपके प्रोफेशन का संबंध भी आपके नाना के साथ मिल रहा है, बन रहा है, तो कुछ वैसी ही चीजें आपको अपने करियर में देखने को। मान लीजिए सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, आपके नाना जी ने अपना कोई सेट प्रोफेशन जिसको वो अच्छे से कर रहे थे ऑलरेडी, जिसके अंदर काफी अच्छे से सेटल्ड थी, उस प्रोफेशन को छोड़कर उन्होंने कोई और प्रोफेशन यदि चूज किया, तो हो सकता है अपने जीवन में आप भी ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में, किसी सेट प्रोफेशन को छोड़कर कोई और प्रोफेशन चूज करें। तो ये बहुत हद तक जो आपके नाना जी का एक कार्मिक पैटर्न रहा है, जो प्रोफेशनल पैटर्न रहा है, ठीक वही पैटर्न आपको अपने जीवन में फील हो सकता है। और जैसा मैंने बताया कि सैटर्न केतु वाला फेल क्यों होता है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटर्न राहु वाला कब फेल होता है, सैटर्न केतु वाला कब फेल होता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि वो केतु के केस में राहु के काम करने का प्रयास करता है, और राहु के केस में केतु की चीजों का काम करने का प्रयास करता है। तो केतु क्या है, केतु रूट्स है, केतु जड़ें हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन होगा, तो केतु क्या चाहेगा, केतु आपसे चाहेगा कि आप इस काम को रूट से शुरू करें, आप इस काम को जड़ों से शुरू करें। तो मान लीजिए आपके मन में एक थॉट आया कि भाई मैं अपना एक काम करना चाहता हूं, और मैं उस काम को बहुत बड़े लेवल पर करना चाहता हूं, बहुत बहुत बड़े लेवल पर, ह्यूज लेवल पर एक्सपेंशन करना चाहता हूं, एक्सपेंड करके करना चाहता, तो केतु आपसे क्या डिमांड करता है, केतु आपसे डिमांड करता है कि आप उसको ह्यूज ना करें, आप उस काम को ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें, स्क्रैच से स्टार्ट करें। और जब आप उस काम को स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, तो स्क्रैच से स्टार्ट करते 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 धीरे धीरे आपका वो जो काम है वो अपने आप एक्सपेंशन पर चला जाएगा। इसलिए कई बार जो सैटर्न केतु वाला कब डूबता है, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि सैटर्न केतु वाला कब डूबेगा। मान लीजिए कोई सैटर्न केतु वाला बिजनेस करता है, वो बहुत अच्छा बिजनेस करता है, और वो क्या कर रहा है, उसने अपने बिजनेस को फैलाया हुआ है, छोटी छोटी चीजें जो है अपने बिजनेस में किया हुआ है, एक बिजनेस कर रहा है, दूसरा बिजनेस कर रहा है, तीसरा कर रहा है, ऐसे कई सारे बिजनेस जो है उसने छोटे छोटे करके अपने एक्सपेंड किए। अब कई दफा व्यक्ति के दिमाग में एक थॉट ये निकल कर आता है कि यार मैं एक काम करता हूं, ये इतने सारे बिजनेस
मेरे पे देखे नहीं जा रहे हैं, तो मैं सभी बिजनेसेस को समेट कर, बाकी सारे बिजनेसेस को समेट देता हूं और किसी एक बिजनेस को बहुत बड़ा करने का प्रयास करता हूं। बस ठीक इसी वेट में केतु आपकी बैठा रहता है कि कब ये व्यक्ति मेरे अगेंस्ट में जाए और कब मैं इसकी प्रोफेशनल लाइफ में ब्लॉकेज। इसलिए केतु को समझने से पहले आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को, उसके गुण धर्म को समझना पड़ता है कि केतु आपसे हमेशा ग्राउंड लेवल से काम करने के लिए कहता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, इसके बाद में जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है केतु के लिए, वो केतु के लिए ये निकल कर आती है कि हम हमेशा सैटर्न और केतु को मिलकर एक चीज तो कर लेते हैं, लेकिन सैटर्न केतु के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटर्न केतु ही रहेगा। सैटर्न केतु के साथ जुपिटर भी हो सकता है, सैटर्न केतु के साथ मार्स भी हो सकता है, सैटर्न केतु के साथ वीनस भी हो सकता है। तो अगर कोई और प्लान, तो सैटर्न केतु के साथ कोई और प्लैनेट भी हो सकता है। लेट से कि सैटर्न केतु के साथ में मार्स का कंजंक्शन, तो जैसे सैटर्न केतु को मैंने क्या बोला कि सैटर्न केतु जो है वो कंसल्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका सैटर्न के साथ में मार्स का रिलेशन है और केतु वहां आ गया, तो सैटर्न मार्स केतु क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? भूमि का कारक ग्रह कौन है बताइए जरा आप लोग। Who is the कारक ग्रह फॉर भूमि? मार्स। मार्स इज द कारक ग्रह फॉर भूमि। तो दिस मीन्स व्हाट? दिस शोज दैट ये व्यक्ति जो है वो भूमि से रिलेटेड कंसल्टेंसी दे सकता है। इसलिए सैटर्न मार्स केतु का योग आपको एक बहुत अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बना सकता है। हालांकि यहां पर और भी प्लैनेट जब पिक्चर में आएंगे तो वो किस तरीके से काम करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे, बट फिलहाल के लिए अगर आपकी कुंडली में सैटर्न मार्स केतु का योग है तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड वास्तु कंसल्टेंट। ऐसे ही मान लीजिए आपका सैटर्न मार्स केतु है, तो केतु ने तो आपको मेडिकल लाइन में ले आया, तो सैटर्न केतु आपको मेडिकल लाइन में ले आया, लेकिन साथ में वहां मार्स भी कनेक्ट हो, तो इसका अर्थ क्या है कि सैटर्न मार्स केतु जो है एक व्यक्ति को बहुत अच्छा सर्जन बना सकता है। ये व्यक्ति बहुत बढ़िया सर्जन बन सकता है। मंगल जो है वो मैकेनिकल चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, टेक्निकल चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सैटर्न मार्स केतु वाला जो व्यक्ति है वो टेक्निकल कंसल्टेंट भी हो सकता है। आपने देखा होगा जितनी भी कंपनीज होती है और खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो कंपनीज कोई ना कोई कंसल्टेंट हायर करती हैं अपने कामों के, और वो कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है चीजों, उनके बारे में बात करते हैं। तो सैटर्न केतु और मार्स जब ये आपस में लिंक करते हैं तो ये व्यक्ति जो है ये किसी कंपनी के अंदर टेक्निकल कंसल्टेंट भी हो सकता। तो ये बड़ा ही ट्रिकी कॉम्बिनेशन है, खासकर जो सैटर्न केतु का है, और इसके अंदर अगर आपके नेगेटिव प्लैनेट्स लिंक कर जाते हैं, मार्स लिंक कर जाता है, मून लिंक कर जाता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्टेबल होने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आप सैटर्न मार्स केतु वाले व्यक्ति को बहुत से केसेस में अपने करियर में जूझते हुए पाओगे अनटिल एंड अनलेस वो इन चीजों को अलाइन करके काम कर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे मान लीजिए आप सैटर्न केतु का आपका योग है, तो सैटर्न केतु का योग हो गया, तो मान लीजिए साथ में मून प्लैनेट लिंक हो, चंद्रमा लिंक हो, तो चंद्रमा जो है फूड का कारक है, और मैंने आपको बताया कि केतु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, केतु जड़ों को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति को यदि आप खाना खाने का काम करने के लिए आपसे कोई पूछता है, बोलता भाई मैं फूड बिजनेस में जाना चाहता हूं, तो मेरे को बताइए कि फूड बिजनेस में मैं किस तरीके से फूड बिजनेस को स्टार्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ट्रेडिशनल फूड यदि सर्व करे
तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल होगा। मेरे पास बहुत साल पहले एक पत्रिका आई थी, मतलब करीबन बहुत साल नहीं बोलूंगा, 2-3 साल पहले पत्रिका आई थी, महाराष्ट्र से आई थी, और वो पत्रिका में मुझे कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन मिला था, सैटर्न मून केतु का कॉम्बिनेशन मिला था। तो वहां पर क्वेश्चन यही था कि जो व्यक्ति था उसने बड़े ग्रैंड लेवल पर कोई रेस्टोरेंट ओपन किया और उसमें इटालियन क्विजीन या कोई इंटरनेशनल क्विजीन को वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि सक्सेस लेने के लिए इस व्यक्ति को क्या करना था, इसको अपना ही ट्रेडिशन, अपना ही कल्चरल फूड जो है वो सर्व करना था, और सर्व करने से पहले उसको बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट करना था, और छोटे लेवल पर स्टार्ट करते 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 वो अपने आप बड़ा हो जाता। इसलिए जब भी आप किसी का चार्ट देखो जिस चार्ट में सैटर्न केतु का योग हो और वो व्यक्ति लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज ना कर पा रहा हो, वो लाइफ में करियर में अपना बहुत अच्छा ना परफॉर्म कर पा रहा, तो सबसे पहले आप ऐसे आदमी को ये कहिए कि वो ग्राउंडेड होकर सोचना शुरू करे, वो हर चीज को भूमि से शुरू करना जो है वो करेगा तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। और अभी मैंने आपके साथ में वो अपना वास्तु प्रोडक्ट भी शेयर किया था जिस जो हमने सैटर्न मार्स और सैटर्न राहु को लेकर बनाया है, तो सैटर्न केतु को लेकर भी हम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं बेसिकली, कि अगर आपकी कुंडली में सैटर्न केतु है तो आप कौन से प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, सैटर्न सन में कौन से प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, सैटर्न मून में आप कौन से प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। तो सैटर्न केतु जो है ना बड़ा चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक चीज और है, सैटर्न आपकी टाइम मैनेजमेंट को भी बताता है, बिकॉज सैटर्न इज काल, सैटर्न इज टाइम, एंड केतु इज व्हाट, केतु इज राइटिंग। तो सैटर्न केतु का एक बहुत अच्छा उपाय यह है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को लिख कर रखिए, आप अपनी एक टू डू लिस्ट को, कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, ये सब चीजें आपके पास अपनी राइटिंग में रिटर्न फॉर्मेट में होनी चाहिए। राइटिंग के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी करना, या एस्ट्रोलॉजी को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और यदि आप एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं, प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपका सैटर्न केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छे से काम करे, कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है सैटर्न केतु का जब भी आप इसको स्टडी करते हैं। तो आगे मैं इसकी लिंकेजेस करना आपको बताऊंगा कि लाइक सैटर्न केतु का योग अगर है तो वहां केतु अगर पीछे है तो आपको इसको कैसे बैलेंस करना है, और केतु अगर आगे है तो इसको कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज तब हो जाती है जब कोई नेगेटिव प्लैनेट आपके सैटर्न के बैक में हो जो उसको पुश कर रहा है, और सैटर्न जिस प्लैनेट की तरफ जा रहा है वो भी एक नेगेटिव प्लैनेट हो जैसे केतु, तो वहां आपको चीजें बैलेंस करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अच्छा एक चीज और है, आप में से बहुत से लोग लॉन्जिविटी की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, ये मैं आपको क्ल्यू दे रहा हूं, अभी हम डेथ का कोई टॉपिक स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको क्ल्यू दे देता हूं कि ये सैटर्न केतु का जो कॉम्बिनेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जब व्यक्ति की डेथ होती है, जब व्यक्ति की डेथ होती है तो आपका ट्रांजिटिंग केतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको, जब व्यक्ति की डेथ होती है तो ट्रांजिटिंग केतु, जो केतु ट्रांजिट का है, वो नेटल सैटर्न के साथ में लिंकेज फॉर्म करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कि आपका ट्रांजिटिंग सैटर्न, जो आपका सैटर्न ट्रांजिट में है, वो आपके नेटल केतु के साथ में लिंकेज फॉर्म करेगा। जब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी लाइफ में बनेगी, और सिर्फ ये कंडीशन नहीं बनेगी, इसके साथ में जुपिटर के ट्रांजिट को भी हमने लेना होगा, कि सैटर्न का केतु के साथ में और जुपिटर का राहु के साथ में, वो जो लिंकेज है उस लिंकेज पे बात करेंगे जब जुपिटर के ट्रांजिट को स्टडी करेंगे। तो ये दोनों प्लैनेट्स की कंडीशन जब मैच हो जाती है, उधर जुपिटर की कंडीशन मैच हो जाती है, इधर सैटर्न की कंडीशन मैच हो जाती है, और दशा अंतर दशा में उस समय आप यदि मारक ग्रहों की दशा अंतर दशा से गुजर रहे हैं,
बहुत हद तक ये आपके अंत समय को रिप्रेजेंट करता है, ये व्यक्ति का समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को कर्म से मुक्ति मिलने वाली। और मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं कि सैटर्न जब भी केतु की तरफ जाएगा, नेटल सैटर्न जब भी केतु की तरफ जाएगा, सॉरी ट्रांजिटिंग सैटर्न जब भी नेटल केतु की तरफ जाएगा, या ट्रांजिटिंग केतु जब भी नेटल सैटर्न की तरफ जाएगा, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। ये बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जब भी ट्रांजिटिंग सैटर्न नेटल केतु की तरफ जाएगा, या ट्रांजिटिंग केतु आपके नेटल सैटर्न की तरफ आएगा और डिग्री के बहुत क्लोज आएगा, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान। उसका आंसर मैं आप ही लोगों से लेता हूं। मान लीजिए आप लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाते, बेड रिडन हो जाते, या आपको कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है अचानक से जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपके साथ बताइए? क्या होगा? अगर कर्म की बात करें तो ऐसे में कर्म का साइकिल क्या होगा, कर्म के साथ में क्या होगा? क्लियरेंस। हाँ Clearance. नहीं नहीं नहीं, वो तो डेथ की बात हो गई, वो तो ठीक है, वो तो डेथ की बात हो गई। डेथ की बात तो हम सैटर्न और जुपिटर दोनों को मिला के कहें, लेकिन अगर अकेले सैटर्न का संबंध जो है वो आपके नेटल केतु के साथ बन गया, तो आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। वो क्यों रखना है? कि केतु है मुक्ति, सैटर्न है कर्म। जब व्यक्ति हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा पीड़ित कंडीशन में होगा, तो आप लोग मेरे को बताइए वो क्या वर्किंग कंडीशन में रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए सैटर्न के ट्रांजिट को नेगेटिव क्यों बोलते हैं? सैटर्न के ट्रांजिट को एक नेगेटिव ट्रांजिट क्यों समझा जाता है? एक लेमन को ये क्यों कहा जाता है भाई सैटर्न का ट्रांजिट सिर्फ कुछ घरों में अच्छा, बाकी घरों में सब में खराब? उसका रीजन ये है कि सैटर्न आपका कर्म है, और जब भी आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना होगी आपके शरीर के साथ या आपकी हेल्थ के साथ, आप बीमार हो गए, बहुत एक्सेस में बीमार हो गए, तो आपको कुछ समय के लिए कर्म विहीन होना पड़ता है। आपके आप कर्म से कुछ समय के लिए अपने कर्म से मुक्त हो जाते, आप वो काम करना छोड़ देते हैं जो काम को आप नॉर्मली कर रहे हैं। इसलिए सैटर्न केतु का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी जो वीडियो बनाया था सैटर्न के ट्रांजिट का, कि वो हर लग्न की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर एक्वेरियस में आपका केतु है, तो यदि एक्वेरियस में आपका केतु है तो आज से ही आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि मेडिटेशन करना भी कहीं ना कहीं केतु को बैलेंस करने का एक जरिया है। लेकिन लोग कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि ये जो रेमेडीज हैं लाइक मेडिटेशन करना या गार्डनिंग करना या राइटिंग करना, ये कितना हद तक काम करती है? तो मैं कहता हूं 100% काम करती हैं, रेमेडी हैं, आपने एक्शन किया है, रिएक्शन होगा, तो 100% ये काम तो करेंगे। लेकिन फिर सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आप केतु से जुड़े हुए प्रोफेशन में यदि आ जाए, तो आपको रेमेडी की जीवन भर कोई आवश्यकता नहीं। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप जिस मर्जी का चार्ट उठाइए, सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन देखिए, और उसको ये सब बातें बोल दीजिएगा जो मैंने बताई। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? जैसा मैंने बताया कि केतु आपकी इंटेंशन है। आदमी जब कोई काम करने जाता है तो उसके काम करने से पहले उसके मन में उस काम के प्रति कोई इंटेंशन होती है। मान लीजिए मेरी कुंडली में सैटर्न केतु का योग है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में सफलता सिर्फ एक शर्त पे मिलेगी कि मैं किस इंटेंशन के साथ एस्ट्रोलॉजी में काम करूं।
अगर मेरी इंटेंशन कुछ अच्छा करने की है तो मैं 100% राइज करूंगा, इरिस्पेक्टिव कि कोई क्या कहता है, कोई पॉजिटिव कहता है, नेगेटिव कहता है, जो मर्जी कहता है। लेकिन जहां मेरी इंटेंशन गड़बड़ा है, वहां मेरी इमेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैं कितना ही तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट क्यों ना कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाऊ। इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में सैटर्न केतु का योग होता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहा हो, तो याद रखिएगा वो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। क्यों नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, उसका एक रीजन मैं आपके सामने शेयर करूं। अगर आपके सामने कोई योगी व्यक्ति खड़ा है तो योगी व्यक्ति को आप कौन से ग्रह से जोड़ के देखेंगे? जो व्यक्ति योगी है केतु से जोड़ के देखेंगे, केतु योगी है। और कर्म का प्लेनेट कौन? कर्म का प्लेनेट है शनि। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शनि केतु कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति जो है वो सही मायने में कर्म योगी। अगर वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा, सैटर्न केतु वाला व्यक्ति अगर अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, तो उससे बड़ा कर्म योगी आपको कहीं देखने को नहीं। वो भले ही अपने एक्शंस आपको कुछ भी दिखा रहा, भले ही उसके एक्शंस में आपको कोई सस्पिशन दिख रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति सही मायने में कर्मी है। और जितने भी लोगों को आप सैटर्न केतु के कॉम्बिनेशन के साथ लाइफ में बहुत अच्छा राइज करते देखो, जिन्होंने बहुत आगे जाकर राइज किया है, जिन्होंने बहुत कुछ किया है लाइफ, ये सभी लोग जो हैं एक बात से कभी भी इनकार नहीं करेंगे। आप किसी भी सैटर्न केतु वाले को पकड़ो, वो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा होगा, उससे जस्ट एक बात पूछो कि भाई तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई ना कोई जो शक्ति जो है, कोई अदृश्य शक्ति जो है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें सपोर्ट कर रही होती है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही होती है, तुम्हें कहीं ना कहीं गाइड कर रही होती, तो वो व्यक्ति 100% इस बात से एग्री कर जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि मुझे हमेशा ऐसा व्यतीत होता है। और ये सब आपको कब देखने को मिलेंगी चीजें? जब सैटर्न केतु के साथ व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हो, और उसके अच्छे करने के पीछे यही कुछ रीजंस होंगे कि वो अपनी इंटेंशन से क्लियर हो, वो केतु से जुड़ी हुई जो है एक माइंडसेट को फॉलो कर रहा हो, वो केतु से जुड़े हुए प्रोफेशन में हो। तो ये सब चीजें जब उसके जीवन में होंगी ना, तो वो आदमी अपने आप ही ग्रो कर रहा हो। वरना सैटर्न केतु वाले जितने भी आपको कुछ भी ना करते हुए मिलेंगे, बिकॉज आपको ना जब भी आप सैटर्न केतु को किसी के डिस्क्राइब करोगे तो कई लोग झल्ला जाएंगे, और वो इसलिए झल्ला जाएंगे, वो बोलेंगे ये बेकार है ये सब चीजें, मैंने तो बहुत अच्छी चीजें की, मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी मेहनत भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन देन उसके बावजूद भी मैं सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन लेकर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके उसके दो ही रीजन कि पहली बात तो उस व्यक्ति की इंटेंशन प्योर है ही नहीं, वो आपको भले ही कुछ भी कहे लेकिन वो व्यक्ति प्योर इंटेंशन रख के कार्य नहीं कर रहा है। अगर उसने प्योर इंटेंशन रख के कार्य किया होता तो 100% अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहता। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भले ही उसने इंटेंशन प्योर भी रख ली हो, लेकिन उसने केतु से जुड़े हुए चीजों में कार्य नहीं किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सैटर्न केतु का योग भी होगा लेकिन साथ में कोई और नेगेटिव प्लैनेट लिंक कर गया होगा, जैसे मार्स लिंक कर जाना, मून लिंक कर जाना, तो उसको कहीं ना कहीं उनको भी साधना जरूरी। तो सैटर्न केतु के साथ में बाकी प्लैनेट्स जब लिंक करेंगे, उनको आप किस प्रकार साधोगे, वो किस तरीके से आपकी लाइफ को डिजाइन करेंगे, तो ये नॉर्मली आपको कोर्स बुक में सारा मिल जाएगा। सैटर्न केतु का तो आपको कोर्स बुक में मिल जाएगा सारा, सैटर्न केतु को आपने किस तरीके से बैलेंस कर। लेकिन सैटर्न केतु के साथ में जो बाकी प्लैनेट्स लिंक बना रहे हैं, लाइक जुपिटर लिंक बना रहा है, वीनस बना रहा है, मून बना रहा है, ये अपना रोल किस तरीके से प्ले करते हैं, ये आप लोग आगे सीखिए। तो आज मुझे लगता है कि सैटर्न केतु की बहुत अच्छी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई है। तो कभी भी आपको सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन यदि मिले तो इसको किस तरीके से स्टडी करना है, किस तरीके से आप इसको यूज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी,
इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद अपने अपने जो फीडबैक है वो दीजिए।